तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं को जो पानी पिलाने का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा, उसके बारे में। तो ये दोस्तों, हमने पशुओं को पानी पिलाने के लिए बड़ा सा टैंक बना रखा है, जो कि लगभग 1500 लीटर के समथिंग इसमें पानी आ जाता है। और इससे एक छोटा भी बना रखा है, उसमें क्या सिस्टम कर रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने ये वॉल लगा रखा है ये गेंद वाला। तो अभी आप देख सकते हैं ये टैंक पूरा भरा है और इस कंडीशन में ये अभी बंद है। जैसे ही हमारा पानी का लेवल नीचे जाएगा तो ये गेंद नीचे जाएगा, तो यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो जब ये पूरा भर जाएगा तो ये पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है, किसान भाई अगर दिन में कहीं खेत या बाहर जाते हैं तो पशुओं को बार बार पानी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब पानी पीते हैं वो तो ऑटोमेटिक से पानी भर जाएगा उसमें। और इधर आप देख सकते हैं, हमने चारे के लिए बना रखी है, तो अभी गेहूँ का भूसा डाल रखा है। और इसके अलावा दोस्तों, एक और जो सिस्टम हमने छोटा कर रखा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक पानी की टंकी रख रखी है, ये वाली 1000 लीटर की है। और इसमें भी दोस्तों वैसा ही वाल लगा रखा है, तो अभी इसमें पानी जा रहा है। और नीचे इसमें एक वॉल है, इसको हम चालू कर देते हैं। तो इसको चालू कर दिया है, तो चलिए वहाँ पर ले जाता हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है देखते हैं दोस्तों। वहाँ पर है हमारी पानी की टंकी और यहाँ पर हमने पाइपलाइन लगा रखी है अंदर ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैंसें अभी है और इनके पानी का जो सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा है ये। तो छोटा दोस्तों, बार बार साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, पानी गंदा भी जल्दी जल्दी होगा उसमें। और इसमें दोस्तों हमारा जो लगभग 100 लीटर के आसपास पानी स्टोर हो जाता है। और जो वॉल सिस्टम लगा रखा है वो हमने इसके अंदर लगा है। इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अभी दोस्तों, हमने जैसे ही वॉल चालू किया है इसमें पानी आना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं पानी आ रहा है अभी। और जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, गेम थोड़ा सा ऊपर झुकेगा और पानी हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब जो इसमें दोस्तों, यहाँ तक पानी आने के बाद ऑटोमेटिक हमारा पानी बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें पानी आ जाएगा। तो ये दोस्तों सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। अगर किसान भाई कहीं दिन में खेत पर हो या कहीं बाहर जाएँ तो उनको पशुओं को पानी पिलाने के लिए बार बार देखने नहीं पड़ेगा। इसी के पास में हमने चारे के लिए बना रखा है ये। इसमें चारा डाल देते हैं सुबह और इसमें पानी की कोई दिक्कत ही नहीं, तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी शानदार जुगाड़ है ये। और दोस्तों, इसमें जो हमने वॉल लगाया है इसके लिए छोटी सी ये बनाई है टंकी टाइप, क्योंकि दोस्तों जब पशु हमारा इसमें पानी पिएगा तो वो इसमें एक नली सिस्टम है अंदर, तो यहाँ से पानी आ जाता है। इसका लेवल और इसका लेवल एक रहेगा, तो जब मुँह कुछ नहीं हटाएगा मतलब टूटने का खतरा नहीं है, तो अंदर सेफ है हमारा वॉल और ये पानी आराम से पशु बाहर पी सकता है। इसको वापस हम ढक देते हैं। तो दोस्तों, ये जुगाड़ आपको कैसा लगा? और इसकी लागत मैं बता दूं आपको, ये मार्केट में आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगा। प्लास्टिक का है पूरा, ये बॉल भी प्लास्टिक का है, आधा इंची में भी सेट कर सकते हैं, 1 इंची का भी आता है। तो अलग अलग रेट में अलग अलग बॉल मिल जाएंगे आपको। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा हमने ओपन में लगा रखा है, तो ये थोड़ा टूटने का ज़्यादा रहता है। पहले एक दो वॉल टूट चुके हैं हमारे, तो इसमें डायरेक्ट पशु इसके मुंह लगाते हैं तो उससे ये ज़्यादा अगर ज़ोर से धक्का देते हैं तो टूट जाता है। तो उसको जो हमने सेकंड वाला दिखाया आपको, उस तरह से सेफ लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी।